हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइजब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल कहाँ पे एंट्री कर सकता है उसको हम देखेंगे। और ये क्रूड ऑयल मैंने लिया 15 मिनट चार्ट, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल लास्ट फ्यू डेज लोअर लो बना रहा है, राइट। लोअर लो लोअर हाई, तो मुझे लगता है ये फिर से एक बार जो पहले लोअर पॉइंट था उसको हिट करना है। मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है मार्केट, राइट। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया अराउंड 3986, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ का आप देख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, तो नेक्स्ट टारगेट 3918 हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल जो अगर हम देखेंगे 4 आवर ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है रिट्रेसमेंट एटलीस्ट अब फर्स्ट रिट्रेसमेंट हमें मिला 3986 जो ऑलरेडी किया हुआ है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेज रिट्रेसमेंट रहेगा 3918 तक, जो यहाँ पे मूविंग एवरेज ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है 4 आवर में, राइट। तो इसलिए अगर आप एंट्री करना चाहता है तो बाय के लिए एंट्री करना चाहता है तो आप जो यहाँ पे हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला तो सपोर्ट तक वेट कर सकता है, राइट। तो इसको अगर आसपास आ गया तो आप बाय ले सकता है और इसका नीचे आप ऐसे लगा सकते हैं, इसका नीचे अराउंड 3950 में 50 में। और यहाँ से आप अगर यहाँ एंटी किया तो आप जो मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज होगा अराउंड 4038 का आसपास, तो यहाँ से आप मार्केट से निकल सकता है, राइट। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया अराउंड 3950 तो हम सेल में जा सकते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3918। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।